मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाने के रसूलपुर गांव में एक सगे भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। हत्या के लिए धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल 25 साल के मोहम्मद इस्लाम का 17 साल की बहन मुस्कान के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस्लाम ने मुस्कान को धारदार हथियार से काट डाला। हत्यारा भाई मौके से फरार हो गया। वहीं मृतका के पिता मोहम्मद सरफराज ने कहा कि घटना के वक्त मौके पर वो मौजूद नहीं थे। सरफराज ने बेटे के कारनामे पर चुप्पी साध ली है। हालांकि उन्होंने ये माना कि घटना के बाद से उनका बेटा फरार चल रहा है। घटना सर तो हम तो जानते नहीं करते हैं, बाजार पर थे सर, हमको मालूम नहीं चला कि क्या क्या घटना हुआ। हम तो बाजार पर थे सर, 5:30 बजे का कहानी है सर ना, हम तो बाजार पर थे सर। आप कहाँ थे घटना जब? बाजार पर थे, हरदी बाजार पर, प्रॉब्लम फिर 1.5 किलोमीटर पड़ता है सर। आपको कब जानकारी हुई? जानकारी हुआ रात में। सुने बेटा आपका फरार है? हाँ फरार तो है, कहीं ना कहीं उसी ने हत्या की है। अब हमको मालूम तो नहीं है सर, लेकिन फरार है। पुलिस को जल्द से जल्द हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करना चाहिए और बहन की जान लेने वाले भाई को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।